जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज शिवरात्रि है, 4 मार्च 2019, और मैंने डिसाइड किया इस शिवरात्रि के उपलक्ष से, इस महान पर्व के उपलक्ष से मैं आज अपने वीडियोस बनाना फिर से स्टार्ट करता हूँ। और काफ़ी दिन तक मैं नहीं आया, मतलब मैंने वीडियोस में अपनी पिक्चर के साथ मैं नहीं आया, बाकी व्यूज़ मैंने डाले फेसबुक में, तो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको रेगुलरली व्यूज़ मिलते रहे। मगर आज शिवरात्रि का पावन पर्व है और मैंने एक छोटा सा पोल किया, पोल मतलब एक क्वेश्चन आस्क किया फेसबुक में। मेरे करीब 2700 फ्रेंड लिस्ट में फ्रेंड है, तो मैंने 16 घंटा पहले एक कमेंट लिखा वहाँ पे, एक पोस्ट लिखा कि इफ़ आई विल कम स्टार्ट माई वीडियोज फ्रॉम टुमोरो तो हाउ मैनी विल बी हैप्पी। तो लगभग 200 से ज़्यादा कमेंट आ गए और 400 से ज़्यादा लाइक आ गए, तो 400 के करीब लाइक आ गए, तो बहुत ही अच्छा लगा कि लोगों का प्यार अभी भी बरकरार है और कुछ ज़्यादा ही है। और दूसरा, मैंने फेसबुक में कंटिन्यूस सारी चीज़ अपडेट की थी और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉल्स भी दिए थे, जैसे कि सेल दिया था मैंने 19 तारीख को 44.70 रुपीज़ में, और टारगेट लिखा था 56 विद इन अप्रैल तक, लेकिन वो 53 तो फ्राइडे को ही आ गया, 19 फरवरी को दिया था। तो एनीवे, ऐसे बहुत सारे हैं जो उसमें दिख जाएंगे आपको अगर आप मुझे फिर। तो सबसे पहले भोलेनाथ का आज आगाज करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ आज। और मुझे पता है बहुत से लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ लोग हैं जो मुझे नापसंद भी करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ और चुपता है उनको, क्योंकि उनका टैलेंट उसी लेवल का है। एनीवे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, अगर आप फेसबुक में मुझसे फ्रेंड बनना चाहते हो तो मैंने एक नियम बना दिया है कि जिसकी भी आईडी में फोटोग्राफ्स नहीं होगी, वो भी रियल, तो उसको मैं फ्रेंड लिस्ट से हटा दूंगा। एक तो मैं अब नया तो लूंगा ही नहीं अगर फोटोग्राफ्स के साथ नहीं आया आपने, और जो ऑलरेडी भी है उसमें से भी मैं सबको हटा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग हट गए, अभी दो 300 लोगों को मैंने हटा दिया जिनकी फ़ोटोग्राफ्स नहीं थी फेसबुक की आईडी में, और थी भी तो कुछ और ही फोटोग्राफ्स थी, तो उनको हटा रहा हूँ, और जितना दिखता है वैसे हटा देता हूँ मैं। तो आप मुझे आईडी रिक्वेस्ट भेजते हो तो प्लीज़ अपना रियल फोटोग्राफ के साथ भेजो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही कि आपको रियल फ़ोटो डालना में कोई दिक्कत है। और अगर आपका कोई जेन्यून रीज़न है तो वो मैसेज में मुझे लिख के दो कि मैं इसलिए फ़ोटोग्राफ नहीं डाल रहा हूँ, देन आई विल कंसिडर डेफिनेटली। तो अगर आपका जेन्यून रीज़न है तो ये तो हो गई इसकी बात। अब मार्केट की बात पर आ जाते हैं। तो बीच में अभी इंडिया पाकिस्तान का वार टाइप सिचुएशन भी क्रिएट हुआ, फिर भी निफ्टी 10600 को भी ब्रीच नहीं कर पा रहा था, ये आप लोगों ने देखा। तो इसका मतलब क्या है कि 10000 एक सपना है, 9700 या 9300 तो भूल जाओ, 10000 आना भी एक सपना है। जब इतने ड्रास्टिक सिचुएशन में भी निफ्टी और 10600 को तोड़ने में भी दिक्कत आ रही है उसको, तो आप सोचो जब अच्छी न्यूज़ चलेगी तब निफ्टी कहाँ होगा। दूसरा, जो सरकमस्टांसेस है वो मोदी जी के लिए काफ़ी चेंज हो गए। अभी कुछ दिनों पहले ये जो खिचड़ी पार्टी आई थी सारी मिलके, वो काफ़ी अहेड हो गई थी मोदी जी से, काफ़ी अहेड, लेकिन सडनली ये जो यू टर्न हुआ वार टाइप सिचुएशन वाला, जो पुलवामा की घटना हुई उसके बाद मोदी जी ने एक एक्शन लिया, या कहिए तो हमारी आर्मी ने एक्शन लिया, मोदी जी ने नहीं, हमारी आर्मी ने, तो उसके बाद मोदी जी की छवि एक पावरफुल लीडर के तौर पे आगे आई है। तो मुझे लगता है उनका परसेंटेज फिर से 65 हो गया लोकसभा इलेक्शंस के लिए, जो कि 30 तक चला गया था मेरे अंदाज से, उनकी पॉपुलैरिटी 30 तक चली गई थी लेकिन वापस 65 पे आ गई है। तो ये मार्केट इस चीज़ को भुनाएगा बिफोर इलेक्शंस, ऐसा मेरा मानना है। बिफोर लोकसभा इलेक्शंस मार्केट विल टेक दिस एज ए पॉजिटिव न्यूज़ दैट अगेन
a good leadership will lead the country, and it will be not in the hands of multiple leaders. The country will not be in the hands of multiple leaders. क्योंकि अगर ये खिचड़ी गवर्नमेंट आती है तो यहाँ पे मल्टीपल लीडर्स हो जाएंगे और सारी पॉलिसीज में टकराव आएगा. एटलीस्ट बीजेपी है, या अगर कांग्रेस अलोन आती है, या कोई पार्टी अलोन आती है, तो दे कैन टेक डिसीजंस और विच इज फर्मली रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री. तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या क्या हुआ, क्या हो सकता है. चलिए मैं अपना जो छोटा मोटा ज्ञान है मेरे पास, जो लिटिल नॉलेज आई हैव, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू. थैंक यू. देखते हैं. तो दोस्तों ये मैंने पहले तो ये दिखा देता हूँ आपको, ये 17 घंटा पहले मैंने डाला था. इफ़ आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोस फ्रॉम टुमारो शिवरात्रि, यानी कि कल डाला था. कल कितने बजे डाला ये दिख जाएगा आपको, 8:56 रात को कल डाला था. तो इसमें आप देख सकते हो 386 अभी तक लाइक्स आ गए है ना, और 203 कमेंट्स, और मेरी फ्रेंड लिस्ट में 2500 लोग ही है टोटल. उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है. तो इस ये कमेंट्स वगैरह आप देखते रहिए, मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा इच्छा जताई है और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि लोग इतना प्यार करते हैं मुझे. तो ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे खिलाफ़ बोलने वाले नहीं हैं. देखिए आज मोदी जी है या कोई भी एक अच्छा इंसान होगा, उसके खिलाफ वाले भी बहुत लोग होंगे और उसके सपोर्ट वाले भी बहुत होंगे. तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. सब आपके सपोर्ट में कभी नहीं बोल सकते. और ये भी मैंने लिखा था, तो मैंने ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए. और रियली आप देखिए इसमें भी काफ़ी लाइक्स और बिल्कुल सही. और अभी हाल फिलहाल में कुछ आपको ट्रेनिंग का बता देता हूँ. ये एक मेरी ट्रेनिंग है दिल्ली में, 30 मार्च को दिल्ली में ट्रेनिंग है. तो दोस्तों अब जो भी हो मैं आपको ट्रेनिंग की पूरी डिटेल दे देता हूँ. 30 मार्च को मेरी दिल्ली में ट्रेनिंग है, 16 मार्च को मुंबई में ट्रेनिंग है. कहाँ है? मुंबई में. ऑलरेडी एक ट्रेनिंग अभी हुई थी पिछले सैटरडे को, इस सैटरडे को, और अब 16 मार्च को फिर से मुंबई में है, और 30 मार्च को दिल्ली में है. 16 मार्च मुंबई, 30 मार्च दिल्ली, और 14 अप्रैल हैदराबाद. हैदराबाद का स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल से. उसके बाद हैदराबाद में रेगुलरली होंगे ट्रेनिंग सेशंस, और वो हमारे किरण साहब संभालेंगे. किरण जो मेरा असिस्टेंट है वो संभालेगा, और वो हैदराबाद शिफ्ट भी हो रहा है अप्रैल से. तो ही विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस. तो हैदराबाद स्टार्ट हो रहा 14 अप्रैल को. फर्स्ट ट्रेनिंग में मैं रहूँगा हैदराबाद में. आई विल बी देयर इन हैदराबाद. मैं ज़रूर वहीं रहूँगा, लेकिन उसके बाद किरण का ही देख रेख में होगी वहाँ पर ट्रेनिंग. और किरण काफ़ी कुछ अच्छा जानकार हो गया अभी एट प्रेजेंट. तो ये है, तो ये ट्रेनिंग की डिटेल्स है. दूसरा, अभी मेरी ट्रेनिंग की फीस भी जो है बहुत नॉमिनल है. 25K इज़ द फीस फॉर एवरी सेंटर. और उसके अलावा एक गुड न्यूज़ है, एवरी 3 मंथ्स में एक ट्रेनिंग सेशन होगा जिसमें 15,000 रुपये ही फीस होगी. कितने? 15,000 एवरी 3 मंथ्स. तो अगली 3 मंथ्स का जो डेट आ रहा है वो 25 मई आ रहा है. और ये जो 3 मंथ्स के बाद जो होगी ये मुंबई में ही होगी और कहीं नहीं होगी. 15,000. और एवरी 6 मंथ्स में एक ट्रेनिंग ऐसी होगी जिसमें सिर्फ 5,000 चार्ज किया जाएगा, ताकि जो लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी मेरी ट्रेनिंग ले सके और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सके. सब कुछ सेम रहेगा, वही नाश्ता, वही खाना ही मिलेगा, और वही ट्रेनिंग आपको मिलेगी जो एक कंटिन्यूएशन मिलती है. तो 6 महीने में एक बार, वो शायद 24 अगस्त की डेट आ रही है मुझे लगता है, 24 अगस्त 2019. उस दिन 5,000 की ही प्राइस रहेगी, और हर 3 महीने में 15,000 की एक रहेगी, और हर 6 महीने में 5,000 की. उसके अलावा नॉर्मल जो रेट्स वही रहेंगे. तो मुझे लगता है मैंने सबके हिसाब से ये कर दिया ताकि कोई भी मिस नहीं करे. और बाकी मेरी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो आज तक आप लोगों ने ट्रेनिंग की है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा. क्योंकि ये सेल्फ मेड स्टडीज़ है,
ये कोई बुक्स को पर्टिकुलरली फॉलो करके की हुई नहीं है। बुक्स क्या बोलती है ये भी समझाता हूँ, और पीजे फिर क्या बोलता है वो भी उस ट्रेनिंग में समझाया जाता है, और वो प्रूफ करके दिखाया जाता है कि उससे कैसे पैसा कमा सकते हो। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी, और वो भी अपने दम पे, किसी की मदद नहीं चाहिए होगी। चलिए अब आ जाते चार्ट वगैरह पे, तो ये सारी बातें हो गई। तो ये निफ्टी का चार्ट है, उस दिन फ्राइडे को शायद 800, पहले देख लेते फ्राइडे को क्या हुआ था। दोस्तों फ्राइडे को निफ्टी 863.50 में क्लोज हुआ था, 863.50। तो ये क्लोजिंग तो बहुत ही अच्छी है फ्राइडे की, अगर हम देखें तो देखिए इसकी जो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है वो 10,772 आ रहा है, ये दिख रहा है आपको 10,772। और जो सिंपल मूविंग एवरेज आ रही है इसकी निफ्टी की 200 दिन की, वो आ रही 10,863। तो उसके ठीक ऊपर हमने क्लोज किया है, यानी कि 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज के जस्ट एक पॉइंट ऊपर हमने क्लोज किया है, और एक्सपोनेंशियल से तो लगभग 90 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है निफ्टी के लिए आने वाले दिनों के लिए। और दूसरा पॉजिटिव आप देखिए, पिछले चार दिन का जो पैटर्न आप देखिए, ये फ्राइडे का लो था 823, थर्सडे का लो था 784, और उसके 27 तारीख का लो था 751, और उसके पहले 26 तारीख का लो था 729। यानी कि हर दिन एक हायर लो बना, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये अपने आप में एक बुलिश पैटर्न है, बट ये मार्केट क्या है, बुलिश पैटर्न आप बोल सकते हो, बट एक चीज़ मुझे यहाँ खल रही है कि जो थर्सडे को क्लोज हुआ था निफ्टी वो 792 का क्लोजिंग था, और बहुत से लोग ये नहीं जानते, जो मैं मानता हूँ कि क्लोजिंग से भी अगर नेक्स्ट डे का लो काफ़ी ऊपर है तो मैं उसे पर्सनली गैप मानता हूँ, और वो गैप मेरे हिसाब से हमेशा फिलअप होता है हमेशा। तो 792 का क्लोज था थर्सडे को, और फ्राइडे का लो था 823। तो अगर आप जो बुक्स की गैप थ्योरी पढ़ोगे उसमें ये गैप नहीं है, क्योंकि पिछले दिन का हाई 865 का है, लेकिन पीजे की जो थ्योरी है वो बोलती है ये भी गैप है अपने आप में, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस की लाइन चार्ट में हमेशा बहुत बड़ी अहमियत होती है। ठीक है, तो अगले दिन की आप देखिए, ओपनिंग ही 842 थी फ्राइडे की, और लो था 823। तो ये मेरा मानना 792 को वापस मिलाने आएगा मार्केट, एक बार 792 के आसपास आना चाहिए, और उससे भी 10-12 पॉइंट नीचे जरूर जाना चाहिए 2-3 दिनों के अंदर, ये मेरा मानना है, भले ऊपर जाए। अब आ जाइए कुछ स्टडीज पे आते हैं, आज थोड़ा आपको मैं अपना फंडा भी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखिए, निफ्टी पिछले चार महीने की जो चाल है नवंबर 16 के बाद, ये देखिए यहाँ ऊपर जाता है नीचे आता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है नीचे आता है 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 ऊपर जाता है। तो अल्टीमेटली चार महीने से क्या हो रहा है, एक रेंज में खेल रहा है निफ्टी, ये 400 पॉइंट ऊपर जाता है और फिर 400 पॉइंट नीचे आता है, बस इतना ही, ये एक दायरा है। देखिए यहाँ से लेके अगर आप देखो तो ये एक दायरा बन गया, इस दायरे में निफ्टी घूम रहा है, इसके ना तो ऊपर जा रहा है, ये एक लेवल दायरा है, इसके ऊपर नीचे नहीं जा रहा हो, इसी में चार महीने से बिता रहा हो। और रही बात इसकी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसका कारण क्या है, ये समझाता हूँ आज टेक्निकली आपको। तो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने ADX के बारे में सुना होगा, ADX मतलब एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स या एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, तो ADX में जो ब्लू कलर की जो लाइन आई है ये ADX लाइन होती है। इसका इम्पोर्टेंस तब होता है जब इसकी ADX की वैल्यू अभी 10.43 आ रही है, देखिए जो निफ्टी की करंट वैल्यू आ रही है ADX की 10.43। और ऐसा कहा गया है अगर ADX की वैल्यू अबव 20 जब तक नहीं आए तब तक वो नो ट्रेंड जोन में होता है, नो ट्रेंड, उसका कोई भी ट्रेंड डिसाइड नहीं होता, या फिर उसको कंसोलिडेशन जोन भी बोलते हैं। तो आप देखिए ये निफ्टी का ADX जो 20, ये 20 जो आ रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 20 आ रहा है ना, ये 20 के नीचे कब आ गया था, इसी तारीख को। तो ये तारीख हम लोग देख लेते हैं,
करीब 16 तारीख के आसपास आ गया था। 16 तारीख के बाद ये निफ्टी एडीएक्स 20 के नीचे की वैल्यू आ गया था। ये देखिए एडीएक्स की वैल्यू, ये 20 का जो 20 यहाँ पे है ना, तो मैं आपको लाइन खींच के दिखा देता हूँ, ये वाली लाइन से आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये 20 वाली एडीएक्स की लाइन है, ये 20 के ऊपर मैंने एक लाइन टान दी, तो आप देखिए यहाँ पे निफ्टी आ गया था नीचे। ये देखिए आप, तो ये लगभग 16 तारीख थी, देखिए 16 नवंबर 16। तो इसके बाद यहाँ से आने के बाद ये कभी भी 20 के ऊपर नहीं गई ये लाइन, ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन देखिए नीचे 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 अभी 10 पे है, तो कभी भी उसने इसको क्रॉस ही नहीं किया। इसका मतलब ट्रेंड कभी भी फाइनल डिसाइड हुआ नहीं, क्योंकि एडीएक्स का नियम है जब तक ये 20 के ऊपर नहीं चले इट कैन नॉट डिफाइन ए पर्टिकुलर ट्रेंड। उसके नीचे जब भी रहता है एडीएक्स की वैल्यू, जो अभी 10.43 है करंटली, तो उसके नीचे जब भी रहता है नो ट्रेंड जोन या फिर कंसोलिडेशन जोन। तो आप देखिए इस जहाँ से ये नीचे आया उसके बाद से निफ्टी भी देख लीजिए आप, ऊपर दिखाता हूँ आपको, इस पोजिशन के बाद से ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, यानी कि ट्रेंड पर्टिकुलरली बुलिश है कि बियरिश को पता नहीं मार्केट को, क्योंकि जब तक ये 20 के ऊपर नहीं जाएगा, देखिए यहाँ इस दिन से काटा इसको 20 को, उसके बाद से कंटिन्यूस नीचे रहा देखिए एडीएक्स। और ये जो ग्रीन लाइन होती है, ग्रीन और रेड लाइन, ये एडीएक्स पॉजिटिव लाइन और एडीएक्स निगेटिव लाइन होती है। ये मैं आपको मेरी ट्रेनिंग क्लास में समझा दूंगा इसका सारा, बाकी से एक छोटा सा पॉइंट आपको समझा दिया, जब तक 20 के ऊपर एडीएक्स नहीं आए तब तक उस स्टॉक या इंडेक्स की कोई ट्रेंड के बारे में पर्टिकुलरली कोई डिसीजन लिया नहीं जा सकता। तो अब आप देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन जो टानी है यहाँ पे, ये लो से लेके इस लो पे टच किया, तो ये ट्रेंड लाइन बोल रही 11,160 के आसपास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आएगा, और ये जो इस हाई से लेके इस हाई को टच करके गया तो ये बोल रही 10,890 भी एक रेजिस्टेंस है, और इस लो से इस लो को पकड़ा तो ये बोल रही 10,750 एक बहुत मेजर सपोर्ट का भी काम करेगा। अब मैं आपको समझा तो 10,750 मेजर सपोर्ट क्यों है। देखिए ये एडीएक्स की लाइन आप देखिए इस जगह कटी है, इस जगह है ना, तो यहाँ से सीधा यहाँ आ गए हम लोग, तो इस रेंज पे हम लोग देखते हैं निफ्टी क्या हुआ। तो यहाँ हम लोग एक बेस बना लेते हैं, इसके बाद निफ्टी में क्या हुआ, इस जगह के बाद जहाँ से एडीएक्स, इस जगह के बाद निफ्टी यहाँ से ज़्यादातर निफ्टी देखिए 600 से लेके 900 के बीच में ज़्यादा समय बिताया इसने। उसके बाद एडीएक्स जब से चेंज हुआ, उसके पहले नीचे भी थी ऊपर भी थी, ऐसा लंबा चौड़ा मूवमेंट था, लेकिन अब इस पोजीशन के बाद कंटिन्यूस ये रेंज बन गई। ये खाली इलेक्शन वाले दिन एक बड़ी कैंडल नीचे की बनी थी, उसके अलावा आप देख लीजिए, और ये एक बार जो हाई बना था 11,118 का, तो ये देखिए मोटा मोटी इसी रेंज में चला है। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस रेंज का एक मिडिल में एक लाइन टाने तो वो हमको डिसाइड क्या कर देगा कि किसके नीचे निफ्टी बियरिश या बुलिश रह सकती है, क्योंकि अभी तक रेंज ट्रेंड डिसाइड नहीं है। तो ये बोल रहा है एग्जैक्टली 10,750 के नीचे निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए और 10,750 के ऊपर हमेशा बाई करना चाहिए, वेरी सिंपल। क्योंकि यहाँ से एडीएक्स नीचे आया 20 के, उसके बाद कंटिन्यू यही पोजीशन है, तो ये एग्जैक्टली बीच में जो आ रही है 10,750 का लेवल आ रहा है। तो जब भी निफ्टी स्पॉट 10,750 के नीचे चले जाए आप शॉर्ट कर दीजिए, और 10,750 के ऊपर है तब बाई जोन में ही रहिए। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया, क्योंकि अभी तक ट्रेंड डिसाइड नहीं हुआ जब तक कि ये 20 के ऊपर नहीं आए, कौन सा एडीएक्स, ये एडीएक्स जब तक कि 20 के ऊपर, अभी 10.43 चल रहा है, ठीक है, ये 20 के ऊपर जिस दिन आ जाए उसके बाद हमको ट्रेंड देखना क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये हो गया इसका टेक्निकल। आने वाले दिनों के लिए जब 750 तोड़े तब आप बाई की पोजीशन से हट जाइए, वरना बाई की पोजीशन में बने रहिए 750 तक, तोड़ने के बाद आप हट सकते हो। उसके बाद वापस आपका स्टॉप लॉस 760 रख लीजिए, शॉर्ट करते भी हो तो 760, बहुत ही सिंपल 10 पॉइंट, यानी कि 750 एक बेंचमार्क बना लीजिए नीचे के लिए या ऊपर के लिए, वेरी सिंपल।
क्योंकि अभी तक कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं है निफ्टी का, 4 महीनों से, 16 नवंबर से लेकर अभी तक का, लगभग 4 मंथ्स। अब आ जाइए एस्ट्रोलॉजी पे, क्या है कहानी। तो कल मंगलवार का दिन है, 5 तारीख, और ये सुबह की पोजीशन रहेगी। मेष लगन से कुंडली स्टार्ट होगी कल, मेष लगन से 9:10। मेष लगन में खुद लगन का मालिक मंगल लगन में बैठा हुआ है, और चंद्रमा कल धनिष्ठा नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र का मालिक भी मंगल होता है। धनिष्ठा मतलब धनिष्ठ, वेल्दी, वेल्थ, वेल्दी, रिच, ठीक है, धनिष्ठ, धन संपन्न। तो ये नक्षत्र कल बहुत ही अच्छा है, लेकिन लाभ भाव में देखिए अमावस्या का योग बना हुआ, सूर्य और चंद्रमा एक साथ होने का मतलब अमावस्या होती है, तो ये लाभ भाव में अमावस्या का योग बना हुआ है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक साथ है, तो कल लाभ बुक करना चाहिए। अगर कल मार्केट ऊपर जाता है तो उसको बुक करके शॉर्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ये अमावस्या का योग यही सजेस्ट कर रहा है। तो कल जो भी तेजी मिलेगी उसको आप बुक करने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए ज़्यादा बेहतर होगा एस्ट्रोलॉजिकली। दूसरा भाग्य भाव में शनि है, और वो भी धनु राशि में, तो ये भी रुकावट पैदा करेगा। लग्नेश मंगल लगन में है, तो ये कुछ मिलिट्री पावर का भी कल कोई न्यूज़ आएगी, मिलिट्री पावर से रिलेटेड, क्योंकि मंगल का लगन में होना मिलिट्री पावर भी दिखाता है, तो लीडिंग पावर भी होगा कल, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ओवरऑल मेजर जो चेंजेस आने वाली वो 7 तारीख को आने वाली है। 7 तारीख को राहु जो है, जो अभी कर्क राशि में है, वो मिथुन राशि में आ जाएगा, ऊंच का हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक डिबेट चल रही है कि मिथुन राशि में राहु ऊंच का होता है या फिर वृषभ राशि में, इसमें 2 में, तो कई लोग मिथुन राशि में मानते हैं और कई लोग वृषभ राशि में, लेकिन मेरा पर्सनली मानना मिथुन राशि में ही ऊंच का होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर शास्त्र यही इंगित करते हैं। तो फिर भी अगर मिथुन राशि में 7 तारीख को आएगा राहु, तो ये किसके किसके लिए बेटर है, कौन सी राशि वालों के लिए, जिनकी मून साइन, जिनकी मून साइन, नॉट सन साइन आई एम टेलिंग, जिनकी चंद्र राशि मिथुन है, जिनकी चंद्र राशि कन्या है, जिनकी चंद्र राशि मकर है, और जिनकी चंद्र राशि कुंभ है, उनके लिए बहुत, और जिनकी चंद्र राशि वृषभ है, उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आने वाले 1.5 साल तक, क्योंकि राहु जब भी जिस घर में आता है वहाँ 1.5 साल एक ही घर में रहता है, 1.5 ईयर्स। तो ये पर्टिकुलरली 4-5 राशियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, मेरा ऐसा मानना है 7 तारीख के बाद। और अल्टीमेटली बस मेरा यही व्यू है कि 750 को एक बेंचमार्क मार्क के चलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, और एक बार फिर से सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सबको मिले, आप सबके परिवार सुखी रहे, ऐसा मैं कामना करता हूँ।